मुजफ्फरपुर सिलौट में लग चुका है श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ। यहाँ सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई ब्लॉग में। मेरा नाम है वांडर ज्ञान और मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला लगा है, साथ में महारुद्र यज्ञ भी हुआ है, साथ में यहाँ पे कलश यात्रा भी निकलेगा। सारा जानकारी, सारी डेट, सारा चीज फुल एक्सप्लोर करेंगे। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना देरी किए चलते हैं और मेला घुमाते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सिलौट वासुदेव मेला में और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल वैष्णो देवी का यहाँ पे गुफा बना है। गुफा में क्या कुछ है चलिए आपको दिखाते हैं। गुफा में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे द्वार बना हुआ है। चलिए आइए, आपको वीडियो में बने रहिएगा। आप जब भी मेला घूमने आइएगा तो आपको यहाँ से एंट्री करना है और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सामने में देख सकते हैं कि अंदर में एक और गेट बना हुआ है और यहाँ पे दो शेर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों बहुत ही प्यारा है और दोनों गेट पे ही है। और जो गुफा देख सकते हैं आप, पहाड़ का यहाँ पे स्वरूप दिया गया है, पहाड़ का कलर भी है पूरा। आइए अंदर चलते हैं और क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। गुफा में जैसे ही प्रवेश करेंगे दोस्तों, तो जैसे ही आप वैष्णो देवी, अगर आप गए हुए हैं तो याद होगा आप लोगों को कि वैष्णो देवी में भी चढ़ने के लिए बनाया गया है, एक चढ़ान सी है वहां पे भी गुफा में। यहां भी आपको चढ़ने के लिए एक चढ़ान पे होके गुजरना पड़ेगा। जैसे ही आप अंदर आएंगे यहां पे एक देवी माँ का मूर्ति बना हुआ है, यहां पे आपको पूजा करना है। पहला देवी माँ का मूर्ति आपको यही मिलेगा। उसके बाद कैमरामैन इधर दिखाइएगा, इधर देखिए एक विशाल सा गुफा है पूरा। और यहाँ पे पूरा गुफा का फीलिंग आ रहा है, एकदम आपको फील होगा कि हाँ गुफा बहुत बड़ा है और लाइट वगैरह पूरा लगा हुआ है। और चलते हैं अंदर और क्या कुछ है वो भी आपको हम दिखाते हैं। आइए चलते हैं। जैसे ही आप और ऊपर आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा माँ का यहाँ पे मूर्ति है। तो एक बार आप लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और अभी ऊपर चढ़ान दोस्तों बाकी है, अभी और ऊपर चलना है। असली गुफा तो अब शुरुआत होगी। अब आपको दिखाने जा रहे हैं एकदम गुफा वाली फीलिंग। यहाँ पे बजरंग बोली का मूर्ति है, तो एक बार कमेंट में जय हनुमान जी भी लिख दीजिएगा। और ये देखिए अब आ चुके हैं दोस्तों आप गुफा में, आपको जो ओरिजिनली गुफा वाली फीलिंग आने वाली है। आइए यहाँ पे ये देखिए पूरा गुफा बन गया हुआ है और मुझे यहाँ पे झुक के चलना पड़ रहा है। आप लोग भी आइएगा संभल के, क्योंकि जो सिलौट वासुदेव में जो मेला लगा है यहाँ पे बहुत ही आनंदमय। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी एक देवी माँ का मूर्ति है और बहुत ही खूबसूरत और भव्य प्रतिमा यहाँ पे बना हुआ है और गुफा का भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। और अंदर गुफा है और कितना अंदर है वो भी चलते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए आपको बहुत ऊपर चढ़ाई करना पड़ता है और हम भी चढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर। आइए चलते हैं। मंदिर के बहुत ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, अभी गुफा खत्म नहीं हो रहा है और गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और आ चुका है माता का द्वार। और देख सकते हैं जिस तरीके से वैष्णो देवी में झुक के आपको दर्शन करना पड़ता है, वहां पे क्षणिक देर के लिए आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे वैष्णो देवी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैष्णो देवी विराजमान होंगी। और ये गुफा देख सकते हैं आप, ये पूरा गुफा का स्वरूप बनाया गया है, आपको एकदम गुफा वाला फील आने वाला है। और ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर में और क्या है वो भी देखते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी में भी ऊपर गुफा बना हुआ है। तो यहाँ भी देख सकते हैं गुफा अभी चालू है, वैष्णो देवी का वहाँ पे द्वार था लेकिन अभी यहाँ पे चालू है। और आइए और देखते हैं क्या है, आइए और ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या है। और जैसे ही वैष्णो देवी का गुफा दर्शन करते हुए आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं भैरव जी का सर कटा हुआ यहाँ पे रखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। मुझे लगता है कि मैं अभी गुफा का सबसे ऊपर आ चुका हूँ और ये देख सकते हैं गुफा का सबसे ऊपरी इलाका है। और आइए ऊपर चलते हैं और ऊपर में देखते हैं कि और क्या कुछ है। आइएगा बने रहिएगा वीडियो में। अभी जैसे ही आप ये आइएगा, अभी मैं गुफा का, वैष्णो देवी गुफा के सबसे ऊपरी वाले जगह पे हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे अमरनाथ जी का भी थीम बेस्ड पंडाल बनाया गया है, बर्फ के शिले का आकार दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। दर्शन कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। और चैनल में पहली बार है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाइएगा कि यहाँ पे जो सिलौट वासुदेव में जो मेला लगा है, कितना विशाल मेला लगा है,
अभी बहुत सारी गुफाएं बाकी है, बड़ा वाला झूला लगा हुआ है, खाने पीने के लिए स्टॉल लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे यज्ञ वगैरह सारा चीज हो रहा है। अभी सारा चीज आपको हम दिखाएंगे। अभी आप गेट से प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बजरंग बली का हम बड़ा सा विशाल मूर्ति दिखाए हैं। उसके बाद जैसे ही आप मंदिर के अंदर आएंगे तो बाबा शक्तिनाथ मंदिर आप देख सकते हैं, उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलाश पर्वत की तरह वहाँ पे ऊपर में शिवलिंग विराजमान है। इसमें क्या कुछ है वो सारी चीज आपको हम डिटेल में दिखाएंगे। और इस साइड अभी बहुत बड़ा यहाँ पे यज्ञ हो रहा है 1008 श्री श्री महारुद्र, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके आपको हम सारा चीज यहाँ पे हम दिखाते हैं। दोस्तों एक और गुफा है यहाँ पे और ऊपर में शिवलिंग विराजमान है, चलते हैं अंदर और क्या कुछ है वो आपको दिखाते हैं। अंदर प्रवेश करिएगा, यहाँ भी गुफा बना हुआ है। और आइए, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो बहुत ही अंधेरा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि नंदी जी हैं और बहुत ही प्यारा दृश्य बनाया हुआ है नंदी जी का। और अंदर भी गुफा है, आइए अंदर में दिखाते हैं। और ये देखिए पूरा यहाँ पे गुफा है, ऊपर में बड़ा सा शंकर जी का मूर्ति है, वो यहाँ पे बहुत खूबसूरत आकर्षण है। नीचे से आपको साफ से नहीं दिख रहा होगा, तो चलते हैं ऊपर में और ऊपर में आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेला है और मेला आपको हम घर बैठे घुमाने का वादा किए हैं, तो आपको हम घर बैठे ही मेला घुमाते हैं पूरा। आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए, बहुत विशाल यहाँ पे शंकर जी का मूर्ति बना हुआ है और यहाँ पे सारे लोग पूजा कर रहे हैं। और दिखाइएगा यहाँ पे शंकर जी का कितना बड़ा विशाल मूर्ति है। दोस्तों अभी आपको गुफा दिखाए हैं और सबसे मेन चीज तो अब आपको हम दिखाने वाले हैं, यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है यहाँ पे, 1008 महारुद्र यज्ञ हो रहा है और यज्ञ चालू भी है यहाँ पे। अंदर में पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको हम यज्ञ दिखाए हैं, उधर यज्ञ हो रहा था और जैसे ही यज्ञ से आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कथावाचक का मंच लगा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं का भगवान का कथा होते रहता है और हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग बैठ के सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत भव्य पंडाल बना हुआ है। और क्या कुछ है, किस तरह के झूला लगे हुए हैं, किस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए इस तरफ। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेला का सबसे अंतिम वाले हिस्से में और वो सिर्फ आपके लिए है, बच्चों के लिए है। और पीछे देख सकते हैं बड़ा बड़ा झूला लगा हुआ है, चाहे वो ब्रेक डांस हो, राउंड झूला हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मौत का कुआं लग रहा है। मौत का कुआं एक अनोखा खेल होता है जहाँ पे आप ढेर सारा मस्ती कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो 50 रुपए से स्टार्टिंग हो चुका है झूला, 50-60 रुपए। बच्चों के लिए भी छोटे छोटे गाड़ी वाला झूला लगा चुका है, जंपिंग जैक भी लगा हुआ है, पानी में तैराकी वाला झूला भी लगा हुआ है। और भी झूला लग रहा है क्योंकि अभी मेला का स्टार्टिंग हुआ है, कल यहाँ पे कलश यात्रा समाप्त हुई थी और आज से भी मेला यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ भीड़ लगी हुई है। और ये रहा पूरा झूला का सेक्शन और कुछ स्टॉल लगे हुए हैं जलेबी वगैरह का, कुछ कुछ छोटे मोटे वस्तुओं का और समझिए कि फोटो वगैरह का, भगवान जी का, ये सब का छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है। दोस्तों मेला का एक तरफ आपको समझिए कि प्रसाद के रूप में भंडारा भी चल रहा है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और काफी बड़ा मेला है, तो घूमते घूमते अगर आप थक जाते हैं तो आप यहाँ पे भंडारा का आनंद ले सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद के रूप में यहाँ पे प्रसाद खा सकते हैं। और भी मेला में क्या कुछ है चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा लगा और मेला काफी लंबे समय तक चलेगा। यहाँ पे छोटे स्टॉल लगे हुए जैसे कि जलेबी की, या फिर गाँव में छोटी छोटी वस्तुएं मिलती है, ठीक है, हर एक माल 10 रुपए 20 रुपए और भी बहुत सारी चीजें लगी हुई है। आप देख सकते हैं एक वैष्णो देवी मंदिर है, उसके लिए एक अलग वीडियो कवर करेंगे, ये वाला वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं, अब आप लोगों को मन में डाउट होगा कि ये मेला लगा कहाँ पे आखिर में, स्लॉट वासुदेव तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक राउंड में बताता हूँ कि जंक्शन से 10-12 किलोमीटर के अंदर में ये मेला लगा है। तो वीडियो से तो आप मेला घूम चुके हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि एक बार यहाँ पे आके आप मेला घूमिएगा। और वीडियो कैसा लगा है वो आप मुझे कमेंट बताइएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर से लेकर कोई भी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर आती है। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।